एबीपीएस न्यूज सच का साथी। बलरामपुर में एक सिरफिरे आशिक ने बाजार से लौट रही किशोरी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई। किशोरी को घायल अवस्था में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आपको बताते चलें कि पूरा मामला जनपद बलरामपुर के उतरौला कस्बे का है। उतरौला के सुभाष नगर में रहने वाली किशोरी बाजार से लौट रही थी, तभी पड़ोस के रहने वाले एक सिरफिरे टिंकू गुता ने छेड़छाड़ की, लेकिन जब किशोरी ने इसका विरोध किया और शोर मचाने लगी तो आरोपी ने धारदार हथियार से उसके चेहरे और शरीर पर कई वार कर दिए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर किशोरी की जान बचाई। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस ने हथियार सहित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एबीपीएस न्यूज के लिए बलरामपुर से शरण बाबू की एक रिपोर्ट। सितंबर 2018 को थाना उतरौला अंतर्गत सुभाष नगर मोहल्ले में एक व्यक्ति है जो सिरफिरा किस्म का है, टिंकू गुप्ता। उसने हसीये से उसी मोहल्ले की एक लड़की को जो नाबालिग है उस पर उसने हसीये से वार किया, जिसमें उसको कुछ चोटें आई हैं और लड़की के पिता की तहरीर पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध संख्या 239/18 अंतर्गत धारा 307, 354/7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको चालान किया जा रहा है। तफ्तीश में क्या निकल गया है सर? जा रही है और जो घटनाक्रम है उसमें वो जो अभियुक्त है उस लड़की का उसको छेड़ना पाया गया है, छेड़छाड़ की बात है, और इसी क्रम में उसने ये वारदात की है। इसकी पुष्टि लड़की ने भी किया है और लड़की के घर वालों ने भी किया है और इसमें आगे विवेचनात्मक कार्रवाई पूरी की जाएगी, लेकिन अभियुक्त गिरफ्तारी हो चुकी है और उसको जेल भेजा जा रहा है। एबीपीएस न्यूज सच का साथी।